स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं अंग्रेजी की परीक्षा अध्ययन के मॉडल पेपर की ग्रामर में दिए गए कुछ गलत आंसर्स के बारे में। जी स्टूडेंट्स, जो परीक्षा अध्ययन अंग्रेजी की है उसमें जो मॉडल पेपर्स दिए गए हैं उसके सेक्शन सी यानी कि ग्रामर के पोर्शन में कुछ क्वेश्चन के आंसर्स रॉन्ग दिए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर लिया है। चेक करने के बाद ही मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं करेक्ट आंसर्स के बारे में कि उन क्वेश्चंस के सही आंसर कौन से हैं जो आंसर्स परीक्षा अध्ययन में रॉन्ग दिए गए हैं। इसके सॉल्यूशन में वो आंसर्स रॉन्ग दिए गए हैं। कहीं ऐसा तो ना हो कि आप उन रॉन्ग आंसर की स्टडी कर लें और एग्जाम में भी आप वही आंसर लिख कर आ जाएँ जिससे कि आपके नंबर कट जाएँ। इसलिए बच्चों, सही आंसर जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि रियली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये सेक्शन सी है जो चार सेट पेपर आपके स्टार्टिंग में परीक्षा अध्ययन के दिए गए हैं उन्हीं में से मैंने ये पहला सेट पेपर निकाला हुआ है। इसमें देखिए जो आंसर सही है उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो रॉन्ग आंसर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, ऑप्शन आपके सामने फ्यू अ फ्यू लिटिल अ लिटिल। अब इनका आंसर देखते हैं थर्ड का। थर्ड का आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। थर्ड का आंसर उन्होंने यहाँ पे दिया लिटिल, ठीक है। आंसर यहाँ पे लिटिल दे रखा है जो कि रॉन्ग है। बच्चों, यहाँ पे राइट आंसर लिटिल नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अ लिटिल। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अ लिटिल इसका सही आंसर है। क्वेश्चन में जो लिटिल दिया है इसका आंसर इसके सॉल्यूशन में वो रॉन्ग है। ऐसा क्यों है? देखो, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग नहीं होता है, अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस, यानी कि थोड़ा बहुत ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब देखो भाई, नॉलेज है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस बताएगा, और लिटिल तो है बिल्कुल ना के बराबर होता है। लिटिल का यूज होता है कोई भी चीज़ जो ना के बराबर है, जो नेगेटिव सेंस बताती है। क्या बताती है? नेगेटिव। लेकिन अलिडल जो है ये पॉजिटिव सेंस को बताता है। किसको बताता है? पॉजिटिव सेंस को बताता है। सो ये सभी डिटर्मिनर में आते हैं, तो अलिडल नॉलेज आएगा। अलिडल नॉलेज यानी कि थोड़ा बहुत ज्ञान, यानी कि थोड़ा बहुत यानी कि पॉजिटिव, ना के बराबर नहीं, पॉजिटिव, इज वेरी डेंजरस, खतरनाक होता है, ठीक है। अलिडल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप किसी भी अच्छे टीचर से कन्फर्म कर लीजिए, उससे पूछ लीजिए, अलिडल बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो सही है, बाकी के इसके बाद आते हैं ड्यूज दैट। इसमें भी एक मिस्टेक इन्होंने करी है, बहुत बड़ी मिस्टेक करी इन्होंने। देखो, ये क्वेश्चन है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। इसको करना क्या है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। अब जरा इनका आंसर देखते हैं। इनका आंसर है यहाँ पे, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आंसर इनका रॉन्ग है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आंसर इनका रॉन्ग है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये आंसर इनका करेक्ट नहीं है। राइट आंसर क्या है चलो जानते हैं। तो बच्चों, जो राइट आंसर होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड आएगा, बाय पीपल नहीं आएगा। राइट आंसर होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, बाय पीपल नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों, ये अंडरस्टूड होता है, अगर सेंटेंस में पीपल वर्ड आ जाए, ठीक है, ये मैं आपको राइट करके बताता हूँ, पीपल आ जाए, सम वर्ड ही आ जाए, ये सम वर्ड ही लिख लेना, थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत जा रही है, सम वर्ड ही आ जाए, सम वन आ जाए, तो इनको यूज नहीं करते हैं पैसे बॉयज में, क्योंकि ये अंडरस्टूड होते हैं। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है। अब बाय पीपल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है भाई, इंसानी लोग बोलते होंगे, पीपल के द्वारा ही बोली जाएगी, एनिमल्स या बर्ड्स तो नहीं बात करेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये राइट आंसर है। बाय पीपल बिल्कुल मत लगा के आना बच्चों, आप आंसर गलत करके आ जाओगे अगर बाय पीपल लगा दोगे तो। बात समझ में आ रही है ना मेरी? जी हाँ, बाय पीपल नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन और है, ये वाला, ये देखते हैं, ये भी इन्होंने रॉन्ग दिया है आंसर। देखिए, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अब इसका पहले मतलब समझो, इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वे ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा, यानी कि उनको सजा दी जाएगी, ठीक है। अब इनका आंसर देखते हैं, जरा क्या बताते हैं, इनका आंसर ये लिखते हैं। तो इनका आंसर देखिए,
अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि वे ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं। इफ हटा के इन्होंने अनलेस का यूज करा, ये तो बिल्कुल सही करा, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि वे ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने नॉट लगा के गलती कर दी, दे विल नॉट बी पनिश्ड, उनको पनिश नहीं किया जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई बंदा ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको पनिश भी नहीं किया जाएगा, भाई पनिश तो किया जाएगा ना। तो इन्होंने नॉट लगा के गलती कर दी। यहाँ पे बच्चे नॉट नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस जब हमारा निगेटिव था, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, पहला वाला सेंटेंस इफ वाला निगेटिव था तो बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, पहले वाले को बस अफर्मेटिव बनाते हैं। इस डू नॉट को हटा के इन्हें अफर्मेटिव बनाना था, लेकिन उन्होंने मिस्टेक क्या करी, उन्होंने मिस्टेक ये करी कि इसमें डू नॉट तो हटाया और बाद वाले को निगेटिव बना के इसको रॉन्ग कर दिया। तो राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा, देखो, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि वो ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, उनको पनिश किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। अब इसका हिंदी मतलब समझिए ना, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि वे ठीक तरह से कार्य नहीं करते हैं, दे विल बी पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा। ये राइट आंसर है, प्रॉपरली के बाद कॉमा लगाना, ठीक है ना। चलो बाकी इसके सही है। अब और आते हैं नेक्स्ट, एक और सेट देखो, ये क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कितनी मिस्टेक बताई, आपको तीन मिस्टेक अब तक मैंने पकड़ ली है इसकी, ठीक है, तीन मिस्टेक मैंने आपको बता दी। अब देखो, ही नोज मी वेल, इसको करना क्या है, चेंज टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। अब इनका आंसर देखते हैं जरा, इनका आंसर है आई एम नोन वेल बाय हिम। तो यहाँ पे बच्चे इन्होंने बाय लगा दिया है, बाय नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि नो के साथ टू का यूज होता है, बाय का यूज नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, आई एम नोन वेल टू हिम, बाय हिम नहीं आएगा। इसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, लिख लीजिए, अब बर्बाद हो जाओगे अगर इस तरह की गलतियाँ आप करते चले गए तो। इसमें से आपको टू का यूज करना है, बाय का यूज नहीं करना है। आई एम नोन वेल टू हिम होगा, नो के साथ टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बच्चों, टू का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे टू आएगा, ये गलती मैंने बताई। बाकी देखते हैं, ही प्लेड क्रिकेट देयर, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, किसे आप चेंज इनटू प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद द मैन हैज नॉट कम फॉर टुडे, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, ये भी ठीक है। नो सूनर डज अ टैक्सी अराइव देन वी विल लीव, एंड नाइदर इज फ्रेंड नॉर इज ब्रदर वॉज अलाउड टू सी हिम, ही नेवर प्लेड वेल, राम इज टॉलर देन, बाकी सही है, ठीक है। बस जो मिस्टेक थी वो मैंने आपको बता दी है। तो स्टूडेंट, ये थी वो गलतियाँ जो परीक्षा अध्ययन के सॉल्यूशन में दी गई थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया है और मैंने आपको उनके करेक्ट आंसर बता दिए हैं। अच्छा, आप मेरे आंसर्स को करेक्ट क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो मैं 10 ईयर से इंग्लिश सिखा रहा हूँ, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी बात को मान लें। आप कन्फर्म कीजिए किसी अच्छे टीचर से, आप पता कीजिए, आप मालूम करिए कि इसके सही आंसर कौन से हैं। जो मैंने आपको बताए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो 100% करेक्ट आंसर है, ठीक है। उन्हीं आंसर को आपको एग्जाम में करके आना है, अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो इनके जो आंसर्स हैं वो आंसर्स रॉन्ग हैं, जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कहीं ऐसा भी ना हो कि आपके फ्रेंड्स भी उन गलत आंसर्स को लर्न कर लें और एग्जाम में वो गलती करके आ जाए। इसलिए अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।